लाइट वोकलिस्ट एंड तबला प्लेयर। आपके सामने आज आपके लिए कुछ लेसन्स तबले के मैं लाया हूँ, जो आपको आपकी बिगनिंग तबला स्टार्टिंग में आपकी हेल्प करेगा। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबसे पहले आज घरानों के बारे में कि कितने घराने हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और तबले की लकड़ी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तबले के मेटल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तबले के ऊपर जो ये लगाया जाता है ये पूरी, इसको पूरी बोलते हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, स्याही के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और उसके अलावा छोटा सा एक बिगनिंग लेसन आपको मैं दूंगा। तो सबसे पहले हम घरानों के बारे में, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा घरानों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले घराने के बारे में हम बात करेंगे। तो मेनली हमारे जो इंडियन क्लासिकल तबला है वो दिल्ली से शुरू हुआ, और दिल्ली में सिद्धार्थ खान साहब एक थे, उन्होंने पहली बार तबले को बजाया, और उसके बाद फिर लखनऊ घराना बना, और लखनऊ के बाद बनारस, और उसके बाद फिर फर्रुखाबाद, अजराड़ा, और लास्ट पंजाब घराना, जिसके बहुत ही मशहूर तबला प्लेयर हैं पंजाब घराने के जाकिर हुसैन खान साहब। तो ये घराने तबले के शुरू से लेके और एंड तक मेन घराने के माने जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारे और जगह भी घर तबला बचा है, लेकिन मेन जो घराने हैं वो ये जो मैंने आपको बताए ये घराने हैं। अब हम तबले की चीजों के बारे में बात करेंगे, तबले में क्या क्या यूज होता है, कैसी लकड़ी यूज होती है, कैसा मेटल यूज होता है, ठीक है ना। तो आप हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले तबले की लकड़ी के बारे में मैं आपको बता दूं, तबले जो सबसे अच्छी लकड़ी मानी जाती है बीजेसार, लेकिन बीजेसार और ब्लैक शीशम, लेकिन बीजेसार और ब्लैक शीशम थोड़ा सा महंगी होती हैं। तो उसके बाद जो नंबर आता है वो शीशम का आता है, मेनली लोग ज्यादातर शीशम की लकड़ी को यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर नीम की लकड़ी आती है, आम की लकड़ी आती है, कटहल की लकड़ी भी आती है, कत्थी की लकड़ी भी आती है। ये सारी लकड़ियां तबले के अंदर यूज की जाती हैं। अभी मैं तबला लेके बैठा हूं तो ये शीशम की लकड़ी, और शीशम की लकड़ी हैवी होती है, भारी होती है थोड़ी सी, तो ये आप देख रहे हैं, और ब्लैक शीशम भी बहुत भारी होती है, और बीजेसार की लकड़ी भी काफी हद तक भारी होती है, लेकिन थोड़ी सॉफ्ट होती है। तो ये शीशम की लकड़ी है जो कि एक एवरेज कैटेगरी में उसको हम रखेंगे, अच्छी एवरेज कैटेगरी में रखेंगे, ये नहीं कि बुरी। ब्लैक शीशम और बीजेसार के बाद सीधा शीशम का ही नंबर आ रहा है, सीधा शीशम का ही लोग ज्यादातर यूज करते हैं। अभी आप यहाँ पर मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन आप अगर हाथ में इसको लेके देखें, कभी आप तबले की शॉप पे जाइए और उनसे शीशम की लकड़ी आप मांगिए कि सर शीशम की लकड़ी हमें दिखाइए, शीशम की लकड़ी का तबला दिखाइए, तो आप जब हाथ में उसको लेंगे तो बहुत हैवी आपको दिखेगा, नजर आएगा। तो उसके बाद अब हम बात करते हैं तबले के मेटल की। तो तबले का जो मेटल है, एक सबसे नीचे से मैं स्टार्ट करता हूँ, लोहा। तो लोहा यूज किया जाता है, उसके बाद फिर लोहे के बाद सेकंड पॉइंट आता है ब्रास, और उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कॉपर। तो जितना भारी तबला होगा आपको, मेनली भारी 4-4.5 किलो का, बहुत भारी नहीं, फिर उसमें उतनी साउंड इफेक्ट उसमें आएगा नहीं उतना, अगर ज्यादा भारी आप तबले को लेके चले। उसके बाद ये जो मेरा तबला है आप देख रहे हैं, ये ब्रास का तबला है, पीतल का तबला है, और इसका करीबन अप्रोक्सीमेट वेट जो है वो 4-4.5 किलो के आसपास ही इसका रहा है।
तो तबले में भी एक चीज मैं आपको बता दूं और ध्यान से उसको सुनने वाली बात कि तबला जब भी आप लें तो एक चीज का आप ध्यान रखें, उसके अंदर उस तबले वाले से पूछ लें, चेक भी आप चाहें तो करा सकते हैं, भरोसेमंद तबले तबला मेकर से अपना तबले को खरीदें, शीशा रांगा उसमें न लगाओ, अंदर शीशा रांगा न भरो, और जिस तरीके की आप उनको कॉस्ट देंगे अगर आपने ठीक ठाक पे किया है, अगर आप कम पे करेंगे तो जाहिर बात है कि आपको शीशा रांगा मिला हुआ ही लगा हुआ ही उसमें मिलेगा। अगर आप 500,000 रुपये को आप मत देखिए, अगर आप तबला खरीदें अपना जाके 500,000 रुपये 1,500 रुपये अगर आप देखेंगे तो वो आपको फिर मिक्स करके मिलेगा, इस तरीके से है। लेकिन आपको बिल्कुल अगर पीतल लोहे का आप तबला ले रहे हैं तो फिर लोहे का प्योर तबला लें, और मेरे हिसाब से अगर आप मेरे मानेंगे तो आप ब्रास का ही तबला लें, सबसे अच्छा मेटल होता है, ठीक ठाक मेटल होता है, अच्छा मेटल होता है, और इससे आपको जो है तबले की साउंड में अलग ही इफेक्ट आपको देखने के लिए उसमें मिलेगा तबले की साउंड में। उसके बाद अब हम आते हैं, ये जो लगी हुई है हमारी इस साइड में जो आप ये देख रहे हैं ये क्या कहलाता है, तो इसको बोलते हैं हम बद्धी। ये तबला कसने के काम में आती है, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे के ये जो चीज है इसको बोलते हैं गट्टा, ये तबले को उतारने और चढ़ाने के काम आता है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये जो चीज है इसको बोला जाता है गजरा, गजरे का काम ये होता है कि गजरा जो यूज किया जाता है वो तबले को उतारने के और चढ़ाने के काम में आता है। उसके बाद आती है पूरी, और पूरी के बाद आती है सियाही। इस पूरी की खासियत मैं आपको बता दूं, पूरी जो है ये खाल को सुखा के इसको, और ये जब कट की जाती है और इसको बनाना और इसको जो साउंड क्रिएट करना, ये तबला मेकर के लिए एक मुश्किल काम होता है, जो तबला बनाते हैं उनके लिए एक मुश्किल काम है, जिसको साउंड की नॉलेज नहीं है, जिस तबला मेकर को साउंड की नॉलेज नहीं है वो प्रॉपर तरीके से तबला नहीं बना पाएगा, जिसको स्केल्स की नॉलेज नहीं है, सुन के अगर वो तबले का जो स्केल है उसको नहीं चढ़ा पाता है तो वो तबला मेकर उस चीज़ को नहीं अच्छे से कवर अप कर पाएगा और तबले को अच्छे से नहीं बना पाएगा। जैसे तबला इस अलग अलग स्केल्स में होता है, आप जाएंगे तबला मेकर के पास, तबला हमें डी का चाहिए, हमें एफ का चाहिए, हमें ई का चाहिए, हमें जी शार्प का चाहिए, तो आपके जो आपकी ख्वाहिश होगी तबले की उसके अकॉर्डिंग अगर उसको स्केल्स की नॉलेज नहीं है तो तबला मेकर आपको उस चीज़ को जो आप चाहते हैं वो आपको वो नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका ये बायां, इसका भी सेम प्रोसेस है, बस इसमें ये ज़्यादा चढ़ाने उतारने के काम नहीं आता है कि इसमें कोई स्केल आपको कवर करना पड़ेगा, लेकिन इसमें चीज वही लगी होती है, बद्धी और गजरा और पूड़ी और सियाही। सियाही राख की बनती है, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, और इसको भी अच्छे से घिसा जाता है जब इसके अंदर साउंड क्रिएट होता है। तो ये हो गई हमारी तबले की बात, और ये आपको मैंने तबले की चीज़ों के बारे में आपको डिस्क्राइब कर दिया। तो अब मैं आपके सामने तबले की एक ताल, जो बहुत प्राचीन ताल है, पुरानी ताल है, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, बजा रहा हूँ, और बुजुर्गों की, खानदानी लोगों की ताल है वो जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। तो और पुरानी ताल के अलावा यूज़ भी होती है वो, और काफ़ी चीज़ों में यूज़ होती है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वो ताल मैंने कौन सी बजाई है। तो ये ताल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ।
मैंने आप लोगों के सामने ये ताल को पेश करा है, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये ताल कैसी लगी आप लोगों को। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि तबले पे हाथ कैसे रखा जाता है और तबले का स्टार्टिंग वर्ड क्या है जिससे आप तबला बजाना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।